तो हेलो दोस्त, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है और आज एक नए ब्लॉग पर चलेंगे। तो अभी मैं जाने वाला हूँ, यहाँ का एक फेमस डैम है बिलासपुर का कोरी डैम। तो आप उस जगह का नजारा देखिए, बहुत सुंदर जगह है और अभी ठंड का माहौल है तो काफी अच्छा वहाँ पिकनिक स्पॉट है, तो जरूर एक बार जाइए और देखिए। तो चलिए मेरे साथ आप पूरा सफर का मजा लीजिए और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो रास्ते में टूर करते हैं साथ मिलके। तो ये निकल गए हम बिलासपुर से, सकरी क्रॉस कर लिए, अब हम पहुंचने वाले हैं गनियारी। तो जैसे गनियारी से क्रॉस करेंगे, ये गनियारी क्रॉस कर लिए हैं और रोड ट्रिप बहुत मज़ा आता है रोड ट्रिप करने में, तो आपको पूरा मैं नज़ारा दिखाऊंगा। और ये क्रॉस कर लिए, एक जगह है कोटा जाने पे, ये बीच का, ये मैं जब छोटा था तब आता था देखता था, ये नज़ारा बहुत अच्छा लगता था, दोनों तरफ से पेड़ हैं और बीच में रास्ता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये पहुँच गए, मैं पहुंच गया हूं कोटा में हूँ अभी। अब कोटा में एक ढाबा में रुके हैं, फैमिली ढाबा, तो दिखाता हूं आप अगर आइए तो यहां एक आध बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। ये है फैमिली ढाबा, वेज नॉन वेज दोनों मिलता है यहां और दोनों के लिए काफ़ी अच्छा जगह ही है। तो इधर से आगे हम फिर कोटा जाएंगे का रास्ता, तो चलिए आगे मिलते हैं। अब ये कोटा से आगे बढ़ेंगे और कोटा से क्रॉस कर लिए चौक से और ये हम जाएंगे सीधा, जो कोटा में डैम है वो आगे तरफ पड़ता है, तो ये सीधा सीधा रास्ता गया है कोटा में चौक से। आप किसी से पूछ लीजिएगा और बता देंगे कि वो डैम का रास्ता किधर से है। और ये सीधा से गए, एक यहाँ टर्निंग आता है और यहाँ का जो नज़ारा है ना, बहुत बहुत अच्छा नज़ारा है इधर का, तो आप ज़रूर एक बार घूमने आइए और इधर का जो माहौल का मज़ा है वो ज़रूर उठाइए, लुप्त उठाइए, चारों तरफ हरे भरे। और ये रास्ता आसायत तक आगे रतनपुर की ओर निकलता है और ये नीचे हम साइड से गए और ये साइड में ही डैम है। तो ये देखिए जंगल शुरू हो जाता है और हल्का फुल्का यहाँ जंगल है शुरुआत से ही। तो रोड ट्रिप करने में ना बहुत मज़ा आता है, आपको अच्छे अच्छे ऐसे ही मैं जगह बताते जाऊंगा और आप टूर का मजा लीजिए मेरे साथ। ये देखो हम क्या रखे, क्या है ये, किधर है मनी, बताओ किधर किधर है मनी, जाओ जाओ जाओ। तो चलिए डैम की ओर और दिखाता हूँ आपको डैम। तो ये आ गए हम कोरी डैम, आप देख सकते हैं और काफी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। ये देखिए इधर पूरा डैम भरा हुआ है पानी से और इस साइड पे पिकनिक के लिए आते हैं। ये पूरा यहाँ का जंगल पहाड़, जस्ट ये डैम से लगा हुआ है पूरा पहाड़, आप देख सकते हैं। और इस साइड पे जाते हैं पिकनिक के लिए, आप अगर आते हैं यहाँ तो आप ऊपर आके इस साइड आ सकते हैं। देखिए गाड़ी वगैरह भी खड़े ही हैं इस साइड पिकनिक के लिए, अंदर में बहुत लोग आते हैं एंजॉयमेंट करते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पीते खाते भी हैं, तो अगर आइएगा तो थोड़ा सा देख के, अगर पिकनिक मनाने आ रहे हैं तो अपना ध्यान खुद रखिए और देख के आइए। और ये डैम देख सकते हैं, काफी अच्छा डैम है पूरा। ये यहाँ का पानी निकलता है यहाँ से और ये नहाते हैं, वॉल है जो नहाते हैं ना, आप देख सकते हैं अभी खाली है ये पूरा, शाम का मौसम है, बहुत बड़ा डैम है ये और बहुत अच्छा है। और जो ये डैम का मेन पानी निकलने का पॉइंट है पीछे तरफ से, यहीं पर बरसात के समय ओवरफ्लो होता है और यहाँ सब बारिश में नहाते हैं अच्छे से कूद कूद के, तो आप इस जगह को अच्छे से जानते होंगे। ये मेरी गाड़ी है, ये वाला जो है ओवरफ्लो होता है, यहीं से पानी जाता है और यहाँ सब लोकल, आप जितने भी होंगे यहाँ नहा चुके होंगे, आप जानते हैं इस जगह को, ये उसका ओवरफ्लो चलता है यहाँ का। तो ये डैम है पूरा पीछे में और काफ़ी अच्छा नज़ारा है, तो अगर आप लोकल हैं यहाँ के तो ज़रूर एक बार आइए और यहाँ विजिट कीजिए, घूमिए और उसके बाद यहाँ का जो भी आप एक्सपीरियंस है वो बताइए मुझे कि कैसा रहा यहाँ का माहौल और कैसे आपको लगा, तो ज़रूर आप बताइए मुझे और कमेंट कीजिए कि जगह कैसा है आपने देखा होगा। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और मैं घुमा तो
मुझे काफी अच्छा लगा। शाम के समय हो रहे हैं, 5 बज रहा होगा लगभग। अब यहाँ से जाते हुए पूरा हो गया इनका जाना। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, रास्ते में आपको निकालता हूँ। तो अब वापस होने का समय हो चुका है और वापस जाते हुए, और काफ़ी अच्छा माहौल था यहाँ का। शाम के 6:30 बज रहे हैं 6 बज रहे हैं 6:30। और इस जगह का फूल भरपूर मज़ा लिए, इंजॉय किए और चिकन वगैरह बंद पैक करा के लाए थे, उसे खाए अब वापस होते हुए। और इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। लोकल आपको छत्तीसगढ़ के आसपास के एरिए सारे मैं टूर कराऊंगा अच्छे अच्छे, तो ज़रूर इस जगह पे आइए और एंजॉय कीजिए इस जगह का। और देखिए काफ़ी अच्छा माहौल होता है, बरसात में बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।